नमस्कार, मैं हूं विनय त्रिपाठी। पाकिस्तान चुनाव में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ दूसरे नंबर पर काबिज है। चुनाव आयोग के अनुसार नवाज शरीफ की पार्टी PMLN शीर्ष पर है। शुरुआती रुझानों में PTI ने 100 से ज्यादा सीटों पर बढ़त हासिल कर ली थी। ऐसा माना जा रहा था कि उनकी पार्टी पाकिस्तान में नई सरकार बनाने जा रही है, लेकिन दोपहर होते होते इमरान खान की पार्टी दूसरे नंबर पर पहुंच गई और पाकिस्तानी सेना के करीबी समझे जाने वाले नवाज शरीफ की पार्टी PMLN वो पहले स्थान पर आ गई है। PTI समर्थकों ने आरोप लगाया है कि उनके वोटों की चोरी की गई है। ऐसे में समझिए कि इमरान खान को हराने के लिए पाकिस्तान में कैसे साजिश रची गई, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान की पार्टी जिस तरह से सुनामी बनकर पूरे पाकिस्तान में दौड़ रही है, उसने एक बात तो साफ कर दिया है कि पाकिस्तान में हजार तरीके से इमरान खान को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके समर्थकों में जो भी उन्होंने उत्साह फूका, डिजिटली तरीके से लोगों से बातचीत की, उनका गहरा असर वहां के मतदाताओं को पड़ा है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में सेना जो जिसे चाहे उसी की सरकार बनती है। इस बार सेना ने नवाज शरीफ के तौर पर विजेता का चयन किया। नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन कभी भी वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। इमरान खान कई मामलों में पिछले साल अगस्त से ही जेल में है। इसके बाद भी उनकी पार्टी पाकिस्तान में सबसे आगे चल रही थी। रिपोर्ट के अनुसार वोट शेयरिंग में PTI अपने दूसरे प्रतिद्वंदियों से काफी आगे है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि पाकिस्तान की शक्तिशाली सेना ने इमरान खान और उनकी PTI पार्टी के खिलाफ अपना जोर लगा दिया था। दशकों से सेना ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सेना की राजनीति को नियंत्रित किया है। सेना पाकिस्तान की राजनीति की सबसे ताकतवर खिलाड़ी है। पाकिस्तानी सेना का इमरान खान के साथ कठिन रिश्ता भी रहा है। पाकिस्तान की सियासत पर नजर रखने वाले प्रोफेसर निलोफर सिद्दीकी कहती हैं कि ये चुनाव ट्रेंड इमरान खान के उम्मीदवारों के पक्ष में जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही चौंकाने वाला है और एक तरह से सियासी भूकंप की तरह है। उन्होंने अल जजीरा से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर शुरुआती ट्रेंड सही है तो इमरान खान के जेल में रहने, बिना चुनाव निशान, प्रचार की अनुमति नहीं मिलने के बाद भी अगर PTI जो प्रदर्शन ने किया है वह बहुत ही असाधारण है। निलोफर आगे कहती है कि PTI से जुड़े निर्दलीय उम्मीदवारों को वोट मिलना PTI के पक्ष में है या शरीफ की पार्टी के खिलाफ या सेना के खिलाफ, जनता का ये एक मजबूत संदेश देना है। अल जजीरा की ही रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बताऊं कि इमरान खान ने जेल में रहने के बाद भी सोशल मीडिया का जोरदार तरीके से इस्तेमाल किया था और यही उनकी जीत की सबसे बड़ी वजह बन गई है। इससे वो जनता के पास आसानी से पहुंच गए, वह भी तब जब उनकी पार्टी PTI को प्रचार तक नहीं करने दिया गया था। यही नहीं, इमरान के ज्यादातर करीबी नेता इस समय जेलों में बंद हैं, लेकिन जनता ने खुलकर अपने कप्तान का साथ दिया। इमरान खान को इस जीत में बड़ी मदद मिली है सोशल मीडिया पर की गई वर्चुअल रैलियों से। इमरान खान ने वर्चुअल रैलियों ने अपने निराश कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भर दिया। इमरान की IT टीम ने इसमें उनकी सबसे ज्यादा मदद की। इसके बाद इमरान खान जेल में रहकर भी जनता तक आसानी से पहुंच पाए। इमरान खान की StreamYard के जरिए 17 दिसंबर को हुई पहली वर्चुअल रैली में 50 लाख लोग जुड़े थे। इसमें इमरान खान का चेहरा दिखाते हुए उनका पूरा भाषण पढ़ा गया था। 2018 में इमरान खान सेना के समर्थन से पाकिस्तान के PM बने थे। हालांकि यह साझेदारी केवल कुछ सालों तक ही चली। तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और खुफिया एजेंसी ISI के चीफ तौर पर नदीम अंजुम की नियुक्ति को लेकर सेना और इमरान खान के बीच में टकराव काफी बढ़ गया था। इमरान खान ने शुरुआत में तो जनरल बाजवा की सेना चीफ के तौर पर 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया, लेकिन बाद के लिए इनकार कर दिया। ISI चीफ की नियुक्ति वाली फाइल को भी इमरान खान ने मंजूरी ही नहीं दी। इमरान खान चाहते थे कि उनके करीबी और पूर्व ISI चीफ जनरल फैज हामिद पाकिस्तानी सेना के नए चीफ बने। उन्होंने इसके लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन बाजवा ने भी इसका पूरा विरोध किया। उन्होंने दो टूक कहा था कि जनरल असीम मुनीर ही पाकिस्तान के नए सेना चीफ बनेंगे। इस बीच इमरान खान ने अमेरिका से भी दुश्मनी मोल ले ली थी। अमेरिका को अफगानिस्तान पर नजर रखने के लिए हर कीमत पर पाकिस्तान में पहुंच की जरूरत थी। ऐसे में विपक्ष सेना
और अमेरिका की मिलीभगत से इमरान खान को सत्ता से हटा दिया गया था। इमरान ने खुद की प्रधानमंत्री की कुर्सी हटाए जाने का आरोप पाकिस्तानी सेना पर लगाया था। उन्होंने खुफिया दस्तावेज को सार्वजनिक कर अमेरिका पर भी इस षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगाया। इस कारण अमेरिका और सेना दोनों ही इमरान खान से नाराज हो गए। इसके बाद प्रधानमंत्री के तौर पर नवाज के भाई शहबाज शरीफ को शपथ दिलाई गई। सभी विपक्षी पार्टियां सरकार में शामिल हुई और इमरान खान अकेले पड़ गए। इसके बाद इमरान खान के खिलाफ 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए। इमरान खान को भ्रष्टाचार, तोशाखाना और अवैध निकाह मामले में दोषी ठहराया गया। उनकी पार्टी के कई नेताओं को अलग अलग मामलों में जेल में बंद कर दिया गया। सजा के बाद इमरान खान को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया। विदेशी चंदा लेने का आरोप में पीएम पार्टी इमरान खान की पार्टी का सिंबल तक छीन लिया गया। बावजूद इसके जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में इमरान का ट्रेंड नजर आ रहा है, उसने राजनीतिक पंडितों के भी माथे पर सिकुड़न आ गई है। वो इस समझने में नाकाम रह रहे हैं कि आखिरकार पाकिस्तान के इतिहास में इतना बड़ा बदलाव कैसे नजर आ रहा है। इमरान खान को हर तरीके से उनके ऊपर सारे आरोप लगाए गए, जेल में डाला गया, उनका सिंबल छीना गया, उनके समर्थकों को जेल के अंदर डाला गया, रैलियां नहीं करने दी गई। उसके बावजूद अगर वो वहां पर सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी बन के उभर रहे हैं, या मैं यूं कहूं कि नंबर दो की पार्टी भी बन रहे हैं, तो ये पाकिस्तान की सियासत के लिए एक बड़ा दिन है। और वहीं पाकिस्तानी आर्मी को अब समझना चाहिए कि उनकी खुद की, उनकी देश की जनता यानी कि पाकिस्तान की जनता भी अब नहीं चाहती कि लोकतंत्र के सबसे बड़े त्यौहार में बार बार सेना का हस्तक्षेप हो, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। कोई भी सरकार हो 5 साल का अपना टर्म पूरा नहीं कर पाती है, और इसी के कारण पाकिस्तान की आज जो इकोनॉमी है या वहां पर जो आर्थिक संकट से जिस तरह के वहां के लोग जूझ रहे हैं, अब वो भी चाहते हैं कि यहां पर एक स्थायी सरकार हो, पाकिस्तान के विकास की बात हो, पाकिस्तान के हित की बात हो। और फिर जिस तरह से सेना अपना नुमाइंदा इस लोकतंत्र के मंदिर में बैठा देता है, बार बार ये चीजें ना हो।